खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 4 जून 2024 ज्येष्ठ महीने का प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के दिन 18 साल बाद ऐसा दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहा है। साक्षात शिव योग का निर्माण हो रहा है, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे 6 राशियां ऐसी है जिन पर भगवान भोलेनाथ जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से 4 जून के बाद 6 राशि वाले लोगों के लिए अचानक से समय परिवर्तन होने वाला है। माता पार्वती जी के आशीर्वाद से कुंवारे लोगों का विवाह का योग बनेगा। इसी महीने में विवाह से जुड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के कुछ महत्वपूर्ण उपाय और साथ ही जो भाग्यशाली राशियां बनने जा रही है उसके बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा के लिए हर महीने प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि आती है। आपको बता दें कि सभी 12 महीनों में से ज्येष्ठ महीना जो है ना वो काफी प्रिय माना गया है भगवान शिव शंकर के लिए। सबसे पहला प्रिय महीना होता है सावन का महीना, दूसरे नंबर पर है ज्येष्ठ का महीना। इस बार 4 जून को ज्येष्ठ महीने का प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि है और दोनों ही एक साथ मंगलवार के दिन है, जो कि पूरे 18 साल के बाद इस तरह का महायोग बना रहा है। उसके अलावा आपको बता दें कि प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि के दिन ही 18 साल बाद शिव योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही शोभन योग और स्वार्थ सिद्धि योग बनने से महाशिवरात्रि का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए सबसे पहले तो एक एक करते हुए जान लेते हैं प्रदोष व्रत के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोग भगवान शिव शंकर को अति प्रिय माने गए हैं। एक तो मकर राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है और शनिदेव जो है ना वो शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 4 जून के दिन जो ये शिव योग बन रहा है ना, यह मकर राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ अति भाग्यशाली बन रहा है। लंबे समय से जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वो इस जून के महीने में पूर्ण होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लंबे समय से बेरोजगार है, उन लोगों को इच्छा अनुसार नौकरी की इच्छा जो है ना वो प्रबल होने की संभावना है। धन का लाभ होने के योग बन रहे हैं और साथ ही अगर आप अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, स्वयं का कोई भी व्यापार करना चाहते हैं ना, तो भी मई और जून दो महीने जो है ना ये आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ साबित होने वाले हैं। लंबे समय से जो कहीं पर रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा है वो वापस मिलेगा और आप लोगों को भगवान शिव की कृपा से किस्मत का पूरा साथ प्राप्त होगा। माता पिता के सहयोग से कोई भी जरूरी कार्य बन पाएगा। व्यापार में उन्नति के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। माता पार्वती जी के आशीर्वाद से इस बार प्रदोष व्रत के बाद से ही जो भी मकर राशि वाली लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उनका जून जुलाई दो महीनों के दौरान विवाह की बातचीत चलेगी और विवाह निश्चित होने से जुड़ी कोई भी बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको प्राप्त होगी और साल 2024 में ही विवाह से जुड़ा बड़ा शुभ कार्य आपके घर आयोजन हो सकता है। चलिए जान लेते हैं मासिक शिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो मासिक शिवरात्रि है ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छी और सौभाग्यशाली साबित होने वाली है। एक तो भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से लंबे समय से अगर कोई भी आपका अटका हुआ या रुका हुआ कार्य था तो वो पूर्ण होगा। साथ ही नया बिजनेस या नया व्यापार आप शुरू कर पाएंगे। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो जून के पहले सप्ताह में ही उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी, आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा।
धन से जुड़ी अगर कोई भी परेशानियां है, कोई भी दिक्कत है, तो वो दूर होने वाली है। आपका काम धंधा आगे बढ़ेगा, कोई भी अच्छी या बड़ी डील आपको प्राप्त होगी जो कि आगे चलकर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन में अगर कोई भी संकट, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा जो चल रही थी वो जून से ही दूर होगी। आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। शिव कृपा से हर एक जगह से आपको उन्नति और तरक्की प्राप्त होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि प्रदोष व्रत वाले दिन आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर का गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक नहीं भी करते हैं, केवल मात्र शिवलिंग के दर्शन से ही आपको सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन या कुंवारे लोग है ना, तो उनको विवाह का सुख प्राप्त होगा, विवाह से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। चलिए जान लेते हैं प्रदोष व्रत के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की यानी कि धारण करने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, इस बार जो 4 जून यानी कि शिवरात्रि के दिन शिव योग और स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है ना, इस महासंयोग के अवसर पर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय काफी अच्छा और भाग्यशाली रहेगा। एक तो कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव माने गए हैं और शनिदेव भगवान शिव शंकर के शिष्य भी है, ऐसे में आप लोगों को भगवान शिव के साथ ही शनिदेव की भी विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। 4 जून से लेकर अगले 59 दिन तक आप लोगों को हर जगह से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है, धन को लेकर बढ़ोतरी होगी, धन कमाने के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी और शनिदेव के आशीर्वाद से कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जो भी अटका हुआ काम है या कोई भी फंसा हुआ कार्य है ना, वो आपका सुलझ सकता है, पूरा हो सकता है, आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने का लगातार प्रयास करेंगे, आपका पूर्वानुमान और आपकी सूझबूझ आपको सफलता दिलाने में मददगार साबित होगी, आसपास के लोगों से आप सलाह मांगेंगे, नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन होगा। अभी वर्तमान में शनिदेव आप की राशि में विराजमान है और साथ ही शनिदेव की 7:30 भी चल रही है,
ऐसे में 4 जून मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के बाद आप लोगों के करियर में मजबूती आएगी। कोई भी नया वाहन या संपत्ति आदि आप खरीदना चाहते हैं ना, तो वो आपकी इच्छा जून के महीने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। छात्र है, विद्यार्थी है ना, उनको मेहनत का उचित फल मिलेगा। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यह जो जून का महीना है यह काफी अच्छा होने वाला है। जो भी कुंभ राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है, शक्ति स्वरूपा देवी माता पार्वती जी के आशीर्वाद से जून के महीने में आपको विवाह का सुख प्राप्त होगा। घर परिवार में सदस्यों के साथ आप लोगों का कोऑर्डिनेशन जो है वो और भी अच्छा रहेगा पहले की तुलना में। आपको उपाय बताया गया है कि इस प्रदोष व्रत यानी कि 4 जून वाले दिन आप गन्ने के रस से भगवान शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें। चलिए जान लेते हैं प्रदोष व्रत के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी प्रदोष व्रत के बाद से ही समय जो है वो काफी अच्छा और स्पेशल रहने वाला है। एक तो आप लोगों की अधूरी इच्छाएं पूरी होगी, साथ ही जीवन में कई तरीके के पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। आप अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे। जून से ही समय आपका खुशियों से भरा रहेगा। लंबे समय से अगर आप मानसिक रूप से किसी परेशानी का सामना कर रहे थे ना, तो वो दूर होगी। नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों को ही अपने कार्य में और अपने क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। अलग अलग जगह से धन प्राप्ति की संभावना बन रही है। आपका जो व्यवहार है वो हर किसी के साथ अच्छा रहेगा। समझदारी बढ़ेगी, सूझबूझ के साथ ही आप वैवाहिक जीवन का भी आनंद उठा पाएंगे। आपके रिश्तों में खुशियां प्राप्त होगी। प्रियजन या रिश्तेदार की मदद से आपको कोई भी अच्छी या खुशखबरी मिलने वाली। कुल मिलाकर यूं कहें कि मेष राशि वाले लोगों के लिए जून के महीने से ही समय जो काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप भगवान शिव शंकर का 4 जून मंगलवार के दिन जल से अभिषेक करें और साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।